दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलने के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार राजनेताओं की तस्वीरों के साथ अखबार में पूरे पन्ने का विज्ञापन देती है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जाती है। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप इन कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह देते हैं तो आपका कहीं ज़्यादा नाम हो सकता है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार के संशोधित अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान ईडीएमसी के 864.8 करोड़ रुपये, एसडीएमसी को 405.2 करोड़ रुपये और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 764.8 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। इतना ही नहीं, उस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की बीजेपी में काफी हंगामा हो रहा है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।